Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear viewers, welcome back to my channel, The Knowledge Tower. So, my name is Abdul Qayyum and I'm a professor of English. And today, with collaboration of our video, I have invited Mr. Adil Asif to discuss on a very unique topic. So, before I declare the topic, I would like to invite Adil Asif to please come and join me. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, fine enough. So, today we have invited you because you have services in education department and you have been teaching in different educational institutions also. Yes. So, we would like to know about, basically I would like to declare my topic to dear viewers now. Mm-hmm. The topic is the difference between direct method and the grammar translation method. And we will delve deep into this topic and try to understand which one is better. So first of all, my first question to you, Adil Asif, is that what do you think? How will you define what is a direct method of teaching? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mera naam Adil Asif hai. Aur bilkul sir, jaise aapne waise pucha ke direct method kya hota hai, to ye main bilkul clear words mein aapko explain karna chahunga ki jo direct method hota hai, wo bilkul jo GTM method hota hai, usse bilkul different hota hai. अब इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, किस तरीके से आता है? डायरेक्ट मेथड हम उसको कहते हैं जिसमें आप किसी लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में टीच करते हैं. मिसाल के तौर पे आप किसी को इंग्लिश टीच करना चाहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में ही टीच करेंगे, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट टीचिंग मेथड होगा. राइट. तो इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उभरता है कि डायरेक्ट मेथड के लिए किस किस्म का टारगेट ऑडियंस और स्टूडेंट्स की हमारे सामने एक ऑडियंस होनी चाहिए जिसके लिए ये डायरेक्ट मेथड क्वाइट फिट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए या हो सकता है. आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेज किया है और ये ऑडियंस को लाजमी पता होना चाहिए कि देखें, जो डायरेक्ट मेथड है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं भी सूटेबल नहीं है या किसी जगह पे सूटेबल है और किसी जगह पे सूटेबल नहीं है. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपकी ऑडियंस पे. मिसाल के तौर पे आपके सामने ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और आप उनको डायरेक्टली इंग्लिश में टीच करना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि अगर मैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा तो और वो उसको ईजिली समझ आ जाएगी और वो बहुत जल्द आपके टॉपिक्स हैं जो आपकी जो बात है उसको अंडरस्टैंड करने लग जाएगा या लग जाएगी, तो ये आप गलत हैं. आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उनके मेंटल लेवल तक पहुंच के उनको टीच करेंगे तो ये सबसे बेहतर होगा. अगर आप कम जहन वाले जो बच्चे होते हैं, मैं उनको नलायक तो नहीं कहूँगा, कम जहन वाले बच्चे कहूँगा, क्योंकि कोई बच्चा जो होता है वो नलायक नहीं होता, बस जहनीत की बात होती है. कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ आस्ते आस्ते चीज़ों को पिक करते हैं. तो सर, मेरा कहना यही है कि जो आपकी ऑडियंस होती है आपको उसको टारगेट करना चाहिए और उसी के मुताबिक जो है आपको वो अपने ऑडियंस मुताबिक जो मेथड है उसको अडॉप्ट करना चाहिए. तो यानी कि आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में यू हैव ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस? वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल एडवांटेजेस, जस्ट गिव वन और टू बेसिक फंडामेंटल एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग. बिल्कुल सर, देखें एडवांटेजेस बिल्कुल हैं इसके. सबसे अहम जो इसका फ़ायदा है वो यही है कि आप उसको उसी लैंग्वेज के अंदर टीच कर रहे हैं तो अल्टीमेटली अगर आपके ऑडियंस जो है उसको अच्छे तरीके से पिक कर लेती है तो उसको वो लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी पैदा होगी. और दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको इंग्लिश में टीच करते हैं तो उसको मल्टी लेवल्स पे उसको फ़ायदा होगा. मल्टी लेवल से मुराद ये है कि अगर वो जॉब सीकर है, जॉब लेना चाहता है, तो इंग्लिश जो है उसके लिए हेल्पफुल होगी. अगर वो एज अ स्टूडेंट है तो इंग्लिश, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है और ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी जो है यूज़फुल रहेगी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, तो चले, ये तो आपने एडवांटेजेस बताए, बट इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर साइड, क्योंकि हर चीज़ का देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं. राइट. तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन को जहन में रखते हुए आप ये बताएं कि आप इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं. एब्सोल्युटली, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको डिस्कस करके बताया है कि इसमें जो, जब आप डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो मैंने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि ये हर जगह ही एप्ट हो, हर जगह ही ये यूज़फुल हो. समटाइम्स आपकी ऑडियंस ऐसी होती है जिसके मुताबिक आपको अपना जो तरीका है वो चेंज करना पड़ता है. मेरे एक टीचर हैं जिन्होंने एक दफ़ा एक जुमला बोला जो कि है तो बड़ा फ़नी सा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है और यूज़फुल और प्रैक्टिकल है. उन्होंने कहा कि अ टीचर मस्ट बी अ जोकर.
अब ये जोकर सम्राट, ये नहीं कि वो वाकई जोकर होना चाहिए, जोकर सम्राट का है उसको यूनिवर्सल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने सिचुएशन के मुताबिक किस तरीके से अपनी ऑडियंस को जो है वो उसकी अटेंशन जो है वो सीख करनी है, किस तरीके से उसको फोकस करना है। तो वो फोकस किस तरीके से कर सकता है, उसकी अटेंशन ऑडियंस की किस तरीके से सीख कर सकता है, वो इसी तरीके से जब वो अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से जान लेगा कि उसकी जो ऑडियंस है वो चाहे इंग्लिश में समझती है, उर्दू में समझती है, या उसकी नेटिव लैंग्वेज जो भी है स्टूडेंट्स की उनकी लैंग्वेजेस में समझता है, तो इसलिए ये उनके लिए बेहतर है कि वो अपनी ऑडियंस को टारगेट करके फिर अपना जो मेथड है उनको अडॉप्ट करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि एक टीचर्स को या एक लेक्चरर को जो है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो यानी जैसे कि एक जोकर जो है, यानी जोकर तो चलो आपने वर्ड यूज कर लिया, लेकिन हमें इसको मल्टी डायमेंशनल हम कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जिसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने आप को अडेप्ट करें और टारगेट ऑडियंस को एड्रेस करें ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके रिगार्डिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपका हमारे सामने आया, लेकिन इसके साथ साथ जो डायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई वांट टू आस्क टू यू इज दैट व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू प्रज्यूम दैट व्हाट विल बी द सक्सेस लेवल ऑफ डायरेक्ट मेथड इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस राइट नाउ इन प्रेजेंट मॉडर्न सिनेरियो। इसका जवाब ये जो आपने सवाल किया सर, ये बहुत ब्रॉडर है, ठीक है, ब्रॉड लेवल पे है, लेकिन मैं इसका जो जवाब है ना मुख्तसर सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह के हैं कि वो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, कि कहीं पे आप मैं स्कूल्स के नेम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखें वहाँ पे ओ लेवल ए लेवल करवाया जाता है, दूसरी जनब देखा जाए तो उसमें ऑक्सफर्ड का और दूसरा सन सीरीज और इस तरह के बहुत सारे सिलेबस हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं हमारे सिस्टम में, और इसके बजाय पंजाब टेक्स्ट बुक पंजाब जो बोर्ड का सिलेबस है, इसके बाद सिंध का अपना है, यानी हर प्रोविंस का अपना अपना है, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, मतलब उनको खुद भी अपना जो सिलेबस है वो उनको क्लियर नहीं है कि हमने किस सिलेबस को डिस्कस करना है, हमारा लेवल क्या है, और डिवीजन कर दी गई है, और इस वजह से भी जो आप जो मेथड जब मेथड की बात की जाती है, अगर एक टीचर है अगर वो ऑक्सफर्ड को पढ़ाने स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाता है तो वह उसको बिल्कुल डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑक्सफर्ड स्टूडेंट्स के कंपैरेटिव जो होते हैं वो थोड़े से लो लेवल उनका होता है, तो इस वजह से फिर टीचर्स को चाहिए कि वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अडॉप्ट करें ताकि वो उनकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो जाए। अच्छा, अब चूँकि ये सारी बात हमारी जो है डायरेक्ट मेथड के हवाले से हुई, तो उसके ऊपर आपने रोशनी डाली कि व्हाट टाइप ऑफ मेथड इट इज़ एंड हाउ इज़ इट अफेक्टिव एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो अब हम इसके दूसरी डायमेंशन की तरफ आ जाते हैं। दूसरा डायमेंशन है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे आपने पहले बात बताई कि हमें ऑडियंस के मुताबिक जो है वो टारगेट ऑडियंस जो हमारी होती है उसके मुताबिक वी हैव टू डिसाइड विच मेथड इज़ एप्लीकेबल एट विच अप्रोप्रिएट टाइम सो दैट वी कैन एड्रेस द ऑडियंस विच इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन अब मगर एक क्वेश्चन आपसे करूँ कि जैसे आपने पहले डिफाइन किया डायरेक्ट मेथड को, तो आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए सर, कहने को तो बहुत सारी तरीफें डेफिनेशन हैं, लेकिन मैं मुख्तसर इतना कहना चाहूँगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम उस मेथड को कहते हैं कि जिसमें आप एक ज़बान को दूसरी ज़बान के ज़रिए पढ़ाते हैं, समझाते हैं या डिलीवर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश को पढ़ाने के लिए मैं अपनी या स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करता हूँ, इंग्लिश को टीच करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सर ये मुख्तसर सी डेफिनेशन। गुड, अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है कि जैसे हम देखते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को यूज़ करते हैं, अगर हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं तो इट मींस के डायरेक्ट मेथड की जो फॉर्मेशन है वो भी डायरेक्ट है, यानी लैंग्वेज टू लैंग्वेज सिंगल लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टारगेट ऑडियंस। लेकिन इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंटरवेंशन आ गई, इंटरवेंशन आ गई मदर टंग की। तो in the presence of intervention of mother tongue, how do you think that this method, that is GT method, will be more successful? देखें, बात यह है कि अगर तो आपने जस्ट अपनी एबिलिटी ज़ाहिर करनी है तो
तो ठीक है फिर आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें। मैं टीचर एक टीचर की बात करूँ कि अगर एक टीचर जो है इंग्लिश टीचर है वो चाहता है कि मेरी जो ऑडियंस है उसको ये जाहिर हो कि मैं मुझे इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहता है और उससे उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं जो उसकी ऑडियंस हैं उसको उसकी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो फिर तो वो डायरेक्ट मेथड उस टीचर के लिए इफेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर जो एक अच्छा मेरे नज़दीक जो एक अच्छा टीचर कौन होता है जो कि अपनी ऑडियंस को टारगेट करता है और वो देखता है कि उसकी जो ऑडियंस है वो किस तरीके से समझ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही टीच करें, वो हाँ उसको चेंज करता रहे, मिसाल तौर पर कुछ सेंटेंसेस जो हैं इंग्लिश के बोलें कुछ सेंटेंसेस जो हैं उर्दू के बोलें ताकि जो ऑडियंस है उनको जो उनका लेक्चर है उनकी जो कही हुई बात है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि अभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से जब अगर आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ा इफ़ यू आर टीचिंग इन अ डायरेक्ट मेथड तो उसमें ये प्रॉब्लम आए जैसे आपने पहले पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेश किया कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं उसमें से जो पॉइंट आप कन्वे करना चाह रहे हैं कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो ना समझ पाएँ, ठीक है, और कुछ समझ पाएँ। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि माइंड तो सबके एक जैसे नहीं है। हाँ जी, ये वेरिएशंस हैं वहाँ पर तो। लेकिन जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अडॉप्ट करते हैं इस सिचुएशन को देखते हुए कि स्टूडेंट का लेवल अभी किस तरफ जा रहा है तो आपने एड्रेस दोनों को करना है, क्योंकि इन वन क्लास यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड्स, बिल्कुल ना, यू हैव दीज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यू हैव एवरेज स्टूडेंट्स, यू हैव कॉमन स्टूडेंट्स, यू हैव लोअर लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, सो दीज डिफरेंट कैटेगरीज, तो एक ही क्लास में आप एड्रेस करना है अपने, तो उसमें आप समझते हैं क्या, आप क्या समझते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का सक्सेस लेवल ऐसी सिनेरियो में कैसा रहेगा? देखें, एक आप ऐसी क्लास में टीच कर रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट योनर से हैं, इन डिफरेंट ग्रुप से हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑक्सफर्ड से भी पढ़ के आए हैं ऑक्सफर्ड सिलेबस से, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सिंध वाले सिलेबस से पढ़ के हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि पंजाब के सिलेबस से वाबस्ता हैं या उनसे वाकिफ़ हैं, तो अब आपके पास मल्टी टैलेंटेड जो हैं वो स्टूडेंट मौजूद हैं, उनका जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि एक टीचर को ऐसा करना चाहिए कि अपनी बात को अगर वो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अपना पूरा लेक्चर जो है वो डायरेक्ट मेथड के ज़रिए एक इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करे, लेकिन टीच करने के बाद उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखे कि जो कि इंग्लिश में उनको लेक्चर मुकम्मल समझ नहीं आया, अगर आप अपने लेक्चर का इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो फिर स्टूडेंट्स के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए वो फिर वो मल्टी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें, उनके जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें उसको लेक्चर डिलीवर करें। राइट, अच्छा, अब चूँकि हम इसके तमाम आस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसका लेवल किन स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट रहता है, इसी तरह से हमने जीटी मेथड के हवाले से ये पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं और इसमें मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हाउ डू यू थिंक that out of these two methods there are many other methods also, yes, yes. but these we are focusing at present with these two methods or all right. these two methods, so what do you think that which method according to you should be the most effective and suitable for teaching in live classroom situations? ye aapne bada diplomatic sa ek question raise kiya hai, lekin main ye in dono mein se kisi ko bhi nahi kahunga ki ye dono galat hain ya dono theek hain। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसका सिंपल जवाब यही है कि ये दोनों इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है, दोनों इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप अच्छे तरीके से एज अ टीचर अगर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं और आपको समझ लग जाती है कि मेरी ऑडियंस का जो मेंटल लेवल है वो क्या है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो मेथड है उसको अडॉप्ट करें। चलिए, ये आपने अच्छा कंक्लूजन दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ अब कंक्लूजन तो हमने ड्राइव कर लिया इसमें से, तो डियर ऑडियंस आई थिंक दैट यू माइट हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट एंड सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड द डिफरेंशिएशन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द टू यू माइट हैव अंडरस्टूड इन अ क्लोजर कॉन्टेक्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन एंड डायलॉग and hope so that we will continue to collaborate in the future also on some of the informative videos we will upload for your benefit aur aakhir mein once again I will ask Adil Asif
would you like to add anything at the end of the video? Yes, now for the benefit of the audience. Yes, I would like to share that this is very informative channel, and I would like to request you to subscribe this channel and also press the bell icon for the latest videos. And don't forget to like, comment and share. Stay blessed, stay happy. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care of yourself. See you once again with more informative video in the next, inshallah, in the near future, inshallah. Thank you.